हमने है ना थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा किया था, 40,000 रुपये थी एक साल के लिए, जी सारा जल गया, कुछ नहीं है हमारे पास, हम क्या करेंगे जी। झुग्गी पे रहता था, आपकी की जल गई? हाँ पूरा जल गया, खत्म हो गया पूरा। एक दूसरा कपड़ा मांग के पेड़ के लेके आया भैया, क्या करेंगे यार, लड़का बच्चा भी है, सब परिवार भी है अपना। मैं कबाड़ा का काम करता हूँ, अचानक कल 11-12 बजे झुग्गी में आग लगा, तो सारे हम इधर से आने नहीं पाए, हम उधर से दयाल खोद के बाहर चला गया सर। अभी तो हमारे पास रहने का जगह भी नहीं है, जो खड़ा हूँ ये दूसरे की जमीन पे खड़ा हूँ। अब सरकार के पास ये आवेदन करता हूँ, हमारे लिए कुछ सोचे सरकार। आपको बच्चा लोग के वहाँ कूद के भाग गया, फिर क्या करूँ, हमारा रहने का कोई जगह नहीं है, ऊपर आसमान है नीचे जमीन है, हम कहाँ जाएंगे। हम कोशिश कर रहा हूँ सरकार हमारे दिखे थोड़ा देखभाल करे, कहाँ करूँ, हम गरीब आदमी। रात को सारा सो गया, 8 बजे तक खाना खा कर सो गया और 12 बजे तक जल गया, उठे सारा छोटा छोटा बच्चा लेकर सारा भाग गया। अभी जो बताया जा रहा था कि रात के अंदर जो पूट के बंगाली कॉलोनी के अंदर पूरी पूरी कॉलोनी जो जलकर राख हुई है, वहां पर देखें छोटे छोटे बच्चे अभी भी यहां पर रो रहे हैं, देखें यहां पर ये देखें। और क्यों, क्योंकि इन लोगों के पास पूरा जो इनका आशियाना था, जो इनका घर था, वो उजड़ चुका है। अब इन लोगों के ऊपर ये देखें यहाँ पर ये तमाम माता बहनें यहाँ पर हमारी बैठी हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास अब घर नहीं रहा, वो छत नहीं रही, ऊपर आसमान है और नीचे सिर्फ जमीन है। अब ये जाएं तो जाएं क्या, सबसे बड़ा सवाल इनके मन में यही है कि अब हमारे साथ क्या होगा, सरकार हमारी सुनेगी या कौन हम लोगों की सुनेगा। कहाँ रहते थे भैया? भाई झुग्गी पे रहता था। आपकी झुग्गी जल गई? हाँ पूरा जल गया, खत्म हो गया पूरा। एक दूसरा कपड़ा मांग के पेड़ के लेके आया भैया, क्या करें यार, लड़का बच्चा भी है, सब परिवार भी है अपना, लेकिन जल गया, क्या करें यार, फिलहाल वही सोच रहा है। क्या काम करते थे आप? एक कबाड़िया काम करता है भैया, घर का कूड़ा उड़ा 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 के लेके आता था भैया, यही काम करता था। अब अभी अभी क्या करें, अभी तो रेडी वेडी सब जल गया, अभी फिलहाल अभी खड़ा है, जमीन भी खड़ा है, सब खत्म हो गया यार, क्या करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद शरीफ हुसैन खान। बताओ क्या बताओ सर। देखो हम वेस्ट बंगाल कलकत्ता के रहने वाला हूँ, यहाँ कबाड़ा का काम करता हूँ। अचानक कल 11-12 बजे झुग्गी में आग लगा, तो सारे हम इधर से आने नहीं पाए, हम उधर से दयाल खोद के बाहर चला गया सर। अभी तो हमारे पास रहने का जगह भी नहीं है, जो खड़ा हूँ ये दूसरे की जमीन पे खड़ा हूँ। अब सरकार के पास ये आवेदन करता हूँ, हमारे लिए कुछ सोचे सरकार। हम भी दिल्ली के वोटर हैं। हाँ जी, हम गरीब आदमी है, कबाड़ा काम करता हूँ। रात को बच्चा लोग के वहाँ कूद के भाग गया, फिर क्या करूँ, हमारा रहने का कोई जगह नहीं है, ऊपर आसमान है नीचे जमीन है, हम कहाँ जाएंगे। हम कोशिश कर रहा हूँ सरकार हमारे दिखे थोड़ा देखभाल करे, कहाँ करूँ, हम गरीब आदमी है जी। आप बताओ क्या नाम है? मेरा नाम तस्लीमा है। अच्छा बताओ कैसे हुआ ये हादसा? पता नहीं कैसे हुआ, रात को सारा सो गया, 8 बजे तक खाना खा कर सो गया और 12 बजे तक जल गया, उठे सारा छोटा छोटा बच्चा लेकर सारा भाग गया। कितनी झुग्गियां थी यहाँ पर? 40 झुग्गी। 40? हाँ। तो लगभग लगभग एक झुग्गी में 3-4-5 बंदे तो होंगे। हाँ 6-7 बंदे, छोटा छोटा बच्चा लेके 6-7 होता है सारा, एक एक झुग्गी में, एक एक झुग्गी में 4-5 आदमी, कोई 6-7 आदमी रहते। तो सारी चीजें जल के? सारा जल गया, कुछ नहीं है। क्या काम करते थे? कूड़ा का काम करता है। सभी लोग यहाँ पे? हाँ सारा का कूड़ा का काम करता है, सबके सब, सबके सब कूड़ा का काम करता है। अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं कर, रेडी बेडी सारा जल गया, कुछ नहीं है। ये सच्चाई है कि ये तमाम लोग, कुछ बंगाल के लोग हैं, शायद कोई बिहार के भी हैं क्या यहाँ पर? नहीं जी, हम सब कलकत्ता का है। कलकत्ता? हाँ जी। अब देखिए यहाँ पर तमाम लोग कलकत्ता से आए हैं, बंगाली लोग हैं और बंगाली कॉलोनी इसीलिए थी, सही कह रहा हूँ ना मैं? और ये लोग घर का कूड़ा इकट्ठा करते थे, सड़कों पे कूड़ा इकट्ठा करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन अब इनके पास खुद के पास ना घर है, ना छत है, ना जमीन है, कुछ भी नहीं है। और सच्चाई है, ये लोग जिस जमीन पे हैं अभी इस वक्त, वो भी किसी दूसरे की है। अब ना जाने वो कब और कितनी देर तक यहाँ पे इनको आसरा दे और वो हटा दे। लेकिन सरकार से निवेदन करूंगा, इसमें सिर्फ झूठी मुआवजे की घोषणा ना करें। जिस प्रकार यहाँ पर जो क्या नाम है, मुंडका के अंदर अग्निकांड हुआ था, वहां पर एक घोषणा की गई थी, मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा कर दी थी हम इनको मुआवजा देंगे, प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक घोषणा कर दी थी हम इनको मुआवजा देंगे, लेकिन देंगे
कब देंगे ये नहीं बताया। मैं निवेदन करूंगा कि इस समय ये घोषणा मत करें कि हम देंगे, यहाँ पे तत्काल यहाँ पर पहुंचे और इन लोगों के खाते में, जिनके पास बैंक अकाउंट है तो उनके खाते में, और जिनका बैंक अकाउंट नहीं है तो उनको सीधा नगद राशि उनके हाथ में जरूर दे। दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी विधायक का, कोई सांसद का, कोई मंत्री का, कोई पार्षद का घर नहीं जला है, ये सिर्फ इन गरीब मजदूर लोगों का घर जला है, इसलिए अभी तक कोई भी यहाँ पे सांसद, विधायक, पार्षद, मंत्री नहीं पहुंचा है। अगर सही मायने में उनके घर पे ये हादसा हुआ होता, अब तक तो बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी की लंबी लाइन लग चुकी होती और तमाम नेताजी लोग यहाँ पहुंच चुके होते, और अभी तक कोई यहाँ पर नेता पहुंचा। मेहनत करके हमने है ना थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा किया था, 40,000 रुपए थी एक साल के लिए, सारा जल गया, कुछ नहीं है हमारे पास, हम क्या करेंगे जी, इतना मेहनत। अभी कोई यहाँ पर नेता पहुंचा भाई? नहीं, यहाँ पे कोई नेता नहीं यार। आप सब वोट डालते हो? हाँ जी, वोट डालता हूँ। हाँ, वोट डालते हो? हाँ, मैं वोट डालते हैं। कहाँ पे डालते हो? दिल्ली में? दिल्ली में। दिल्ली में ही? आप? दिल्ली में। दिल्ली में डालता हूँ। दिल्ली में डालते हैं? हम कलकत्ता में। हम कलकत्ते में डालते हैं। आप भाई? दीदी को। आप देखे यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से लगभग लोगों ने कहा कि हम लोग वोट डालते हैं, मतलब ये लोग इस भारत के नागरिक हैं और इनके पास वोट डालते हैं, लोग अधिकार है, मतलब ये सरकार बनाते हैं, लेकिन सरकार क्या करती है अब इन लोगों के लिए वो देखना पड़ेगा। लेकिन खाने का भी नहीं दिया इंजाम, सुबह रात से सब भूखा पैसा है, कुछ किसी का कपड़ा नहीं है, किसी का पैंट नहीं है, चप्पल नहीं है, पैसे आधार कार्ड पदर कार्ड सब कुछ जल गया वहाँ पर, सब किसी का नहीं है। आप खुद देखें, जब पानी पीने का भी नहीं है, पानी नहीं पी नहीं पा रहा है, बताओ ऐसे दिक्कत आ रहा है सबको। सच्चाई है, निवेदन करूंगा सरकार से कि यहाँ पर सिर्फ झूठी मुआवजे की घोषणा ना करें, बस आए और इन भाई मजदूरों को, इन माता बहनों की मदद जरूर करें, क्यों, और जो भी संस्थाएं हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि यहाँ पर बंगाली कॉलोनी में पहुंच करके इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दें, क्योंकि इस समय ये जरूरत में है, मजबूरी में है। अगर ये लोग एक दिन हमारे घर से कूड़ा ना उठाए तो हम लोग कितने इरिटेट हो जाते हैं, अगर ये लोग हमारे घर से एक दिन भर कूड़ा ना उठाएं, और जबकि कूड़ा हम बढ़ाते हैं, ये लोग तो सिर्फ सफाई करते हैं, लेकिन आज तो इनके खुद के घर की छत नहीं रही, अब ये लोग बेसहारा हैं, जिस इनके पास अपना रोजगार का साधन नहीं बचा, जो घर का तमाम सामान था वो जलकर खाक हो चुका, राख हो चुका, मैंने अभी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया, लेकिन फिर भी निवेदन करूंगा यहाँ पर सरकार से, सिर्फ बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि झूठी मुआवजे की घोषणा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बिल्कुल मत करना, करना तो केवल इतना करना इन लोगों का सहारा बनना, इन लोगों को जो आपने मुआवजा देना है वो तत्काल दे देना, सिर्फ घोषणा मत करके जाना कि हम दे देंगे, बस। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिद शेख। साहिद जी, आप इसी झुग्गियों में रहते थे जो हादसा हुआ है? हाँ, इसी झुग्गी में मैं रहता था, अभी भी रहते हैं, अभी फिलहाल तो जल गया, नहीं रह पा रहे उधर। कितने बजे सोए थे रात को? रात 9 बजे सो गया मैं, 12 बजे आग लग गया, लड़का बच्चा लोग चिल्लाया तो मैं फिर चढ़ा है, नींद से जागा है, जाग के फिर दौड़ दौड़ के लड़का बच्चा लोग को लेकर दीवार टपक टपक के उधर पार कर दिया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा तो इधर फिलहाल 5 बच्चे है, लेकिन इधर 3 रहता है, मेरा 5 बच्चे है, सब शादी शुदा, एक लड़का है, 4 लड़की है, तो सबको पार उड़ करके दामाद उमाद लोग को पार कर दिया, एक नाती भी है उसको भी पार कर दिया, पार करके उसका बाद लास्ट में फिर मैं दौड़ के घर पे आया, थोड़ा तो पैसा वैसा था लेने के लिए कोशिश किया मैं, तो ले नहीं पाया, वो बोतल उतल फट रहा है, गैस सिलेंडर उलेंडर दूसरा आदमी का घर पे वो फट रहा है, बम जैसा का जैसा आवाज हो रहा है, तो मैं और पैसा लिया भी नहीं, जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं ले सका हम लोग, जान बचाने के लिए दीवार टपक के उधर से ही भाग गया मैं, सब कुछ छोड़ के चले जाना पड़ा, कुछ कोई बंदा कुछ लेने नहीं सका है, कोई अपना जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं, कोई निकलने का जगह भी नहीं, इधर मेन गेट का सामने थोड़ा गली है, उधर का सामने में आग लग गया, उधर हम लोग तो कुछ बचाने के लिए चाल घोपड़ी घोपड़ी का उतरते, वो चार के बाल बच्चा सब, कोई कुछ सामान कुछ नहीं ले सका हम लोग, कुछ भी नहीं, हम लोग कपड़ा भी नहीं ले सका, दूसरे कपड़ा पहन के हम लोग दूसरे आदमी दिए पहन के, हम लोग कुछ नहीं ले सका, सब लोग सब चले गए, हम लोग का कुछ नहीं बचा, सब चले गए हम लोग का। किसी की जान को हानि हुई है? नहीं, किसी के जान की कोई 5 आदमी का लगा है, गिर गया है, थोड़ा जो चल गया है,
आदमी का जला थोड़ा बहुत जला है, हल्का फुल्का जला है, कुछ उतना नहीं हुआ है। एक बकरी जल गया है अंदर, एक बकरी जल गया है अंदर। बकरी जल गई? हाँ अंदर भी मर गई होगी। हाँ वो जल गया, निकलने का जगह नहीं है, चारों तरफ देख लिया। आप लोग काम क्या करते थे? कबाड़िया काम करते हम लोग, घर से सब। हाँ कूड़ा उठाते हम लोग, घर से कूड़ा उठाते, कबाड़िया काम करते। अब आगे क्या करोगे? आप लोगों की कोई सुनने आया हो? जो भी ना आए कहा करेंगे हम लोग, आप लोग का मेहरबानी जो होगा वही हम लोग वही करेंगे। हम लोग को कौन है, जो चाहे जो पब्लिक जो देखेगी हम लोग, हम लोग उसी में है। क्या नाम है अपना? मेरा नाम है आलमा। अच्छा ये बताओ रात को कितने बजे हादसा हुआ और आपने जब देखा था तो क्या देखा था? वो आग जलता इसमें और बार बार गया था, आग जलता मेरे को सब भाग गया था। कितनी झुगियां जली हैं, कैसे हादसा हुआ है ये? दो तीन साल झुगो जल गया था। यहाँ पे कितनी झुगियां थी? दो तीन सौ। हाँ ठीक है, तो सब पूरी की पूरी जल गई? सब जल गया था। आप रात को सो रहे थे, कितने बजे उठे थे? वो बार बार गया, उठ कर देखना आग जल गया, सब भाग जाऊंगी, छोटे छोटे बच्चा सब भाग जाऊंगी। मुझे जब जाके उठाया गया तभी जाके पता लगा मुझे 12 बजे की करीब, पर मैं जब उठी थी तब देखी थी जो आग जल रहा है और पानी डाल रहे सब उसमें नहीं हो रहा है। दो गोदम उसमें जल गया था। क्या जल गया था? दो या जल गया था, मतलब कि दो पूरा जल गया था। तो फिर जब तक हम लोग निकल के आ रहे तब तक तेजी से जल रहा है, वो पानी डालने की बात भी ठीक नहीं हो रहा था। आग कितनी ज्यादा थी? बहुत ज्यादा थी। आप लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई? हम लोग ये दीवार कूद के जान बचाया, हमने दियाल नहीं है अंदर से, वो दियाल उसको जान बचाएगी। अब बचा क्या है आप लोगों के पास? मेरे बात कुछ नहीं है, ताका कोई सा सब जल गया, सब कुछ जल गया हमारे पास। सब कुछ घर का सारा सामान जल गया, एक भी सामान नहीं निकले आए, जैसे कि कपड़ा, ये खान कान सोना वाना के सब कुछ जल गया। कुछ नहीं ले सका कोई सामान, कुछ भी नहीं ले सका हम लोग, एक कपड़ा भी तो नहीं ले सका हम लोग। कोई फैमिली सब बाल बच्चे तो हम लोग आया सब यही तो गिरा हुआ, कोई एक भी सामान भी नहीं ले सका हम लोग, कुछ जान बचाने फर्ज हो गया हम लोग का। सर्वेश जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद सर आपका। पूरी बात बताओ, ये हादसा कैसे हुआ, क्या देखा और आप कब आए? ये हादसा रात्रि लगभग 12:15 बजे के आसपास हुआ, तो 12:30 बजे के लगभग, तो साढ़े यानी 11:30 बजे के लगभग ये हादसा हुआ था। तो इसमें हमें मैसेज मिला 12:30 बजे, तो यहाँ पर हमारी जो टीम थी 12:30 बजे करेक्ट यहाँ पर आ गई थी, और आने के बाद तो एक जो टीम थी वो तो अपना काम करके जा चुकी, दूसरी टीम को जब मैसेज मिला, मुझे मैसेज मिला 4:45 बजे के लगभग, तो 5 बजे के आसपास मैं यहाँ पर आ गया और अपनी टीम के साथ। तो